Now we'll talk about the energy of the orbitals. Okay, when there are orbital present in different energy levels at different shells, then how we can relate their energy, uski energy kaise layenge? Let's talk about the energies of orbitals. An important topic. So we have already discussed that for hydrogen, there is only single electron and there is a nucleus. So for hydrogen, there is only one type of the attraction force act in the system, because एक ही इलेक्ट्रॉन है बच्चों और एक ही न्यूक्लियस है, तो वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन के सिवाय तो और कुछ होना नहीं है. मतलब हाइड्रोजन में जो अलग अलग लेवल का एनर्जी है, या जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसका जो अलग अलग ऑर्बिटल का एनर्जी है ना बच्चों, वो एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इज द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. सो नाउ वी विल राइट एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. सो आई विल राइट फॉर हाइड्रोजन, और आई विल राइट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइड्रोजन, और फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. सो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज देयर इज ओनली अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, और तो कुछ होना नहीं है, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस है तो उनके बीच में अट्रैक्शन ही होने वाला है, और कोई इंटरैक्टिव फोर्स होगा नहीं. अब सिंपल सी बात है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जितना पास में होगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, राइट? मतलब उतनी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वो पास में है. यस और नो? सो आई विल राइट हियर, सो फॉर दिस केस एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल ओनली डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. Energy of electron only depends on what? Principal quantum number, that is number of orbit. जो इलेक्ट्रॉन पास के ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी कम होगी, क्योंकि उसको अट्रैक्शन ज्यादा लगने वाला है, राइट? सो वी विल राइट हियर फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ n, इलेक्ट्रॉन कहां होगा बच्चा? इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, हैंस इट एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन. Hence it experience more attraction. अगर बच्चों ज्यादा attraction लगना है तो electron को जो है सारी energy छोड़ देनी पड़ेगी बाहर, अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ के आना पड़ेगा electron को अगर पहली bench पे बैठना है तो, right? Means it has less energy, or you can say its energy is more negative. Less energy, or you can say its energy is more negative. उसकी energy ज्यादा negative होगा because उसने सारा energy छोड़ दिया है. Okay, so I will write here, hence it experience more attraction, hence it has more negative. More negative का मतलब हो जाएगा बच्चों low energy. It has more negative, or you can say it has a low energy, right? तो अगर आप hydrogen के लिए बच्चों energy level diagram बनाओगे, तो hydrogen में देखो बच्चों सबसे कम energy किसका होगा? 1s का. फिर second orbit के अंदर ये n equal to 1 है, फिर सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, दूसरे बेंच वाले बच्चों की एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, ओके फाइन. और दूसरे के अंदर बच्चों दो एनर्जी लेवल होंगे 2s एंड 2p. सेकंड ऑर्बिट के अंदर दो एनर्जी लेवल होते हैं, दो सबशेल 2s एंड 2p, और दोनों की एनर्जी सेम होगी 2s एंड 2p. बोथ आर एट सेम एनर्जी लेवल 2s एंड 2p, दिस बोथ आर एट सेम एनर्जी लेवल. अगर आप तीसरे बेंच पे जाओगे बच्चों एन इक्वल टू 3, उनकी एनर्जी और थोड़ी ज्यादा होगी. वी आर टॉकिंग अबाउट द हाइड्रोजन. अब तीसरे के अंदर बच्चों तीन सबसेल होते हैं 3s 3p एंड 3d, एंड यू कैन सी दे ऑल आर इन सेम एनर्जी लेवल. सिमिलरली चौथी बेंच पे जाओ बच्चों, दे आर सेम एनर्जी ऑफ 4 सबसेल 4s 4p 4d एंड 4f. दिस इज द केस फॉर द हाइड्रोजन, जहां पे खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है, खाली अट्रैक्शन है. अब बच्चों सुनो ध्यान से, वॉट इफ देर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन? अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना बच्चों, तो अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस भी बदलते हैं. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट तो करेगा, बट साथ साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव है वो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे. यस और नो? सो इफ देर आर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, देर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रैक्शन फोर्सेस. फर्स्ट इज अट्रैक्शन फ्रॉम द न्यूक्लियस, and the second is repulsion between the electrons, because all the electrons are negatively charged. Yes or no?
मतलब यहां पे ये दोनों फैक्टर सीखने पड़ेंगे, अट्रैक्शन भी देखना पड़ेगा, रिपल्शन भी देखना पड़ेगा, एंड देन ओनली वी विल बी एबल टू टेल अबाउट द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. गॉट इट? ओके, चलो फटाफट इसको कॉपी करो क्विकली. ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन फॉर द केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज. सो इन द मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आई विल राइट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन. विच आर द टू टाइप्स? द फर्स्ट इज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, एंड द सेकेंड इज रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स. रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? अब यहां पर बच्चों आपको दो टाइप के अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों फोर्स को कंसिडर करना पड़ेगा. ओके, यहां पर छोटा सा लॉजिक सीखते हैं बच्चों. स्क्रीनिंग इफेक्ट. स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? तो सपोज मान लेते हैं बच्चों कि यह आपका न्यूक्लियस है, ये आपका पहला एनर्जी लेवल है, ये दूसरा एनर्जी लेवल है. सपोज पहले एनर्जी लेवल में दो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, वैसे भी दो ही भरते हैं पहले एनर्जी लेवल में. ओके, दूसरे एनर्जी लेवल में सपोज आठ इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, कितना हुआ, छह और एक सात और एक आठ. अब अगर तीसरे एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली तीसरे एनर्जी लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको सेंटर का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज्यादा लगने वाला नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो पहले से भरे हुए इलेक्ट्रॉन है ना वो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को एक शील्ड प्रोवाइड करेंगे. अरे कहते जो पहले से भरे हुए ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे बच्चों, आउटर इलेक्ट्रॉन को शील्ड प्रोवाइड करेंगे. मतलब सेंटर का अट्रैक्शन जितना यहां पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंच पाएगा. मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सेंटर का अगर मान लो कि एटॉमिक नंबर Z जितना है तो सेंटर में Z इंटू E जितने प्रोटॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे बच्चों, सेंटर में Z इंटू E जितना पॉजिटिव चार्ज होगा. ओके, सेंटर में कितना पॉजिटिव चार्ज होगा, Z इंटू E जितना पॉजिटिव चार्ज होगा. बट ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को Z इंटू E जितने पूरे चार्ज का अट्रैक्शन लगना नहीं है क्योंकि अंदर वाले जो ऑर्बिटल है वो क्या करेंगे, इसके लिए एक शील्ड बना देंगे ताकि इसका अट्रैक्शन बाहर तक ना पहुंचे. तो मैं यहां पे लिखूंगा बच्चों के जो आउटर इलेक्ट्रॉन है ना इट इज शील्डेड फ्रॉम न्यूक्लियर अट्रैक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स इन इनर ऑर्बिट. इलेक्ट्रॉन्स इन इनर ऑर्बिट, इसीलिए इसको जो है ना वो Z इंटू E जितना पॉजिटिव चार्ज नहीं लगेगा, इसको पॉजिटिव चार्ज लगेगा बच्चों Z इफेक्टिव इंटू E. कितना लगेगा उसको, Z इफेक्टिव इंटू E, जो इससे थोड़ा कम होगा. अगर मान लो यहां पे 10 कूलम चार्ज है तो पूरे के पूरे 10 कूलम का चार्ज यहां लगने वाला नहीं है क्योंकि अंदर वाले जो लेवल है वो अट्रैक्शन को बाहर तक पहुंचने से रोकेंगे. तो इसको मान लो कि 10 में से 8 ही कूलम जितना पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन लगने वाला है. तो आई विल राइट हियर दिस आउटर इलेक्ट्रॉन इट एक्सपीरियंस अट्रैक्शन ऑफ Z इफेक्टिव इंटू E पॉजिटिव चार्ज. ओके, बोलो समझ आया बच्चों शील्डिंग इफेक्ट क्या है? वो शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया, जो बाहर ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है उसको सेंटर का अट्रैक्शन थोड़ा कम लगेगा. रीजन यह है कि जो पहले से भरे हुए ऑर्बिटल है वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए एक शील्ड बना देंगे ताकि इसका अट्रैक्शन बाहर तक अच्छे से ना पहुंचे, राइट? बट एक कॉमन लॉजिक यह है बच्चों की जैसे जैसे यहां पर चार्ज बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे इसका तो अट्रैक्शन बढ़ता ही जाने वाला है. मीन्स क्या कहेंगे बच्चों हम के फ्रॉम यू कैन से फॉर इंक्रीज इन जेड आउटर इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज एक्सपीरियंस मोर अट्रैक्शन. दैट मीन्स इट्स एनर्जी इज लोअर्ड. लोअर का मतलब होता है बच्चों इट बिकम मोर नेगेटिव. इट बिकम वॉट मोर नेगेटिव, मतलब क्या है बच्चों यहां पे देखो सिंपल सा मतलब है इसका. अगर सेंटर में 10 कूलम चार्ज है उसकी जगह सेंटर में 50 कूलम चार्ज आ गया तो ऑब्वियसली बाहर वाले को तो ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा. अगर ज्यादा अट्रैक्शन लगा मतलब इस स्टूडेंट को क्या करना पड़ेगा, अपना एनर्जी छोड़ देना पड़ेगा. हाँ ना, हाँ ना. अगर तुम्हारे क्लास में टीचर खड़ा है
और उसकी जगह अगर तुम्हारे क्लास में प्रिंसिपल आ जाए तो ऑब्वियसली बच्चे जो है वो थोड़े सीधे हो जाते हैं कि नहीं होते होते हैं ना। ओके, तो ये वही लॉजिक है। अगर यहाँ पे चार्ज बढ़ा ना तो ये बाहर वाले को क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी थोड़ी छोड़ देनी पड़ेगी और थोड़ा स्टेबल हो जाना पड़ेगा। अब यहां पे बच्चों क्या है, देखो कि यहां पे ये अट्रैक्शन को भी कंसीडर करना है, रिपल्शन को भी कंसीडर करना है। तो जब अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों कंसीडर करना है ना, तो आपको ऑर्बिटल का साइज भी पता होना चाहिए और ऑर्बिटल का शेप भी पता होना चाहिए। सी, जब हाइड्रोजन का केस था ना, वहां पे ऑर्बिटल के शेप से हमें कोई मतलब ही नहीं था, खाली साइज से मतलब था। पहला ऑर्बिटल कम एनर्जी, दूसरे वाले का सबका एनर्जी थोड़ा ज्यादा पर सबका एनर्जी सेम, तीसरे वाला एनर्जी दूसरे से ज्यादा और तीसरे में जितने भी है सबका एनर्जी सेम। किया कि नहीं किया हाइड्रोजन में ऐसा, क्योंकि वहां पे खाली अट्रैक्शन फोर्स ही है और वो खाली डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब साइज पे डिपेंड करता है, उसको शेप से लेना देना नहीं है। बट यहां पर तो बच्चों रिपल्शन है। अब इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस में है या दो इलेक्ट्रॉन किस किस कितने डिस्टेंस पे है, कितने पास है, कितने दूर है, वहां से रिपल्शन फोर्स चेंज होएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन बहुत पास में है तो रिपल्शन ज्यादा लगने वाला है, अगर दो इलेक्ट्रॉन दूर दूर है तो रिपल्शन कम लगेगा। मतलब यहां पे क्या है बच्चों, ये दोनों फैक्टर के लिए ना अपने को ऑर्बिटल का साइज भी चाहिए और ऑर्बिटल का शेप भी चाहिए। एंड दैट इज वाई फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एनर्जी डिपेंड्स ऑन बोथ द फैक्टर एन एज वेल एज एल। एनर्जी जो है ना बच्चों एन एल दोनों पर डिपेंड करता है। ओके, फटाफट इसको कॉपी करो, चलो फटाफट एकदम। Now what will happen, both this factor, this both factor depends on, both these factors depends on two things, size as well as shape of orbital. It depends on what? Size as well as shape of orbital. Because it is believed that ke S jo hai wo spherical hai, hame pata hai, wo sabse pass mein hota hai center ke. ओके, और जो डी है वो उससे दूर होगा, एफ उससे दूर होगा, लाइक दैट। ओके, सो इट इज राइट देयर, बोथ दिस फैक्टर डिपेंड ऑन द साइज एंड शेप ऑफ द ऑर्बिटल। इफ यू टॉक अबाउट द अट्रैक्शन, अट्रैक्शन विद इन सेम लेवल, अट्रैक्शन विद इन सेम एनर्जी लेवल, तो क्योंकि बच्चों एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल है, वो सेंटर के ज्यादा पास होगा, मतलब एस वाले को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगता है। इफ यू टॉक इन द सेम एनर्जी लेवल, सेम एनर्जी लेवल मतलब बच्चों मान लो कि मैं चौथे ऑर्बिट में हूं, तो चौथे ऑर्बिट में 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है एंड 4f भी होता है। चौथे ऑर्बिट के अंदर बच्चों चारों ऑर्बिटल होता है, यस और नो, यस और नो। ओके, सो विद इन ऑल दिस फोर ऑर्बिटल जो एस वाला है ना वो सेंटर के पास होता है, तो इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस बाय द 4s और पर्टिकुलरली s इज मैक्सिमम, देन p, देन d एंड देन f. f ऑर्बिटल को सबसे कम अट्रैक्शन लगता है बिकॉज वो सेंटर से दूर है। सो आई कैन से कि जो s वाला है बच्चों उसको अट्रैक्शन ज्यादा लगा, अट्रैक्शन ज्यादा लगा मतलब जो पहली बेंच पे बैठने वाला बच्चा है तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम होगी, इट शुड हैव मिनिमम एनर्जी, यस और नो, यस और नो, बिकॉज वो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है मतलब उसकी एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम होगी, और इसकी एनर्जी कैसी होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। That's the first thing. Okay, ये तो खाली हमने अट्रैक्शन की बात की, अब अगर आप रिपल्शन भी कंसिडर करोगे ना तो टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और हमें क्या करना है बच्चों, इतना ध्यान रखना है कि ये एक ही एनर्जी लेवल में भी ना एनर्जी सबकी सेम रहने वाली नहीं है, दिस एनर्जी विल बी स्प्लिटेड। क्या होगा, ये एनर्जी जो है बच्चों वो स्प्लिट होने वाला है। तो हम यहां पर लिखेंगे ड्यू टू ऑल दिस एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन सेम एनर्जी लेवल स्प्लिट्स। क्या होगा बच्चों, जो एनर्जी लेवल में एनर्जी जो है वो स्प्लिट हो जाने वाला है, ध्यान दो यहां पे, एनर्जी विल स्प्लिट। ओके, और एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, यहां पे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इज प्रपोर्शनल टू एन प्लस एल। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एनर्जी किस पे डिपेंड करता है बच्चों, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का एनर्जी डिपेंड करता है एन प्लस एल के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, ये डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, किसके लिए, फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, गॉट इट। ओके, और अगर किसी के लिए एन प्लस एल टाई हो गया तो जिसका एन कम होगा, एन कम है मतलब वो अंदर वाला ऑर्बिट है तो उसका अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा, मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। तो अगर n प्लस एल टाई है इन केस ऑफ सेम n प्लस एल,
एनर्जी डिपेंड्स ऑन एन। अगर एन प्लस एल टाई हो गया तो एनर्जी बच्चों एन पे डिपेंड करेगा। मैं चाहता हूं कि आप विद इन वन मिनट ये राइटअप कंप्लीट करो, विद इन वन मिनट, ताकि मैं आपको मल्टी इलेक्ट्रॉन में एनर्जी का ऑर्डर क्या है वो बता सकूं। फटाफट बच्चों क्विकली, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यू कैन से। एंड दैट एक्टिविटी इज, सपोज आई राइट ऑर्बिट हियर, सो इट इज फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवंथ ऑर्बिट। ओके, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्बिटल्स? सो इन द वन देयर इज ओनली वन पॉसिबल ऑर्बिटल, 1s। फर्स्ट ऑर्बिट में खाली एक ही ऑर्बिटल होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? 1s। चलिए दूसरे ऑर्बिट में दो ऑर्बिटल होते हैं बच्चों, 2s एंड 2p, दैट इज टू सबसेल्स आर प्रेजेंट, 2s एंड 2p। तीसरे ऑर्बिट के अंदर तीन सबसेल होते हैं बच्चों, 3s, 3p, 3d। यस और नो? यस और नो? चौथे के अंदर बच्चों चार सबसेल होंगे, दैट इज 4s, 4p, 4d, 4f। पांचवे सबसेल के अंदर बच्चों पांच ऑर्बिट के अंदर पांच सबसेल होंगे, 5s, 5p, 5d, 5f एंड 5g। इसके आगे हमें जाना नहीं है वैसे। चलिए बच्चों सिक्स के अंदर क्या क्या होगा, 6s, 6p, 6d, 6f एंड सो ऑन। और दो होंगे, हमें कोई काम का नहीं है बिकॉज इतने इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरने होते कभी। चलिए सेवन में होता है बच्चों, 7s, 7p, 7d एंड सो ऑन। आगे और होगा, आगे हमें काम का नहीं है। अब देखना बच्चों, मैं लाइन खींचने वाला हूं, दिस इज द लाइन वेयर माई वैल्यू ऑफ एन प्लस एल इज इक्वल टू 1। चेक इट आउट, एन इक्वल टू 1, एस ऑर्बिटल है तो एल कितना होगा बच्चों? 0। एस ऑर्बिटल के लिए आपका एल कितना होता है? 0 होता है कि नहीं? हाँ क्या ना? तो यहां पे 1 प्लस 0 मतलब एन प्लस एल का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अब बच्चों ये लाइन देखो, यहां पे एक ऑर्बिटल आया बच्चों 2s। चलिए n प्लस एल का वैल्यू कितना होगा बच्चों? n प्लस एल का वैल्यू होगा यहां पे आपका 2 प्लस 0, दैट इज 2, राइट? ओके, चलिए बच्चों यहां पे देखो इस लाइन में ध्यान से देखो, 3 प्लस 0 3, यस और नो? 2 प्लस 1 p ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू कितना होता है बच्चों? 1 होता है। देखो ये सारे s ऑर्बिटल है, L का वैल्यू 0 होगा, ये सारे P ऑर्बिटल है, L का वैल्यू 1 होगा, ये सारे D ऑर्बिटल है, L का वैल्यू 2 होगा, ये सारे F ऑर्बिटल है, L का वैल्यू 3, यहां पे L का वैल्यू 4। चलो अब आपको इजी रहेगा इसको देखने में, ओके? चलो तो यहां पे 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 ऑल्सो 3, मतलब इन दोनों के लिए n प्लस l का वैल्यू कितना है बच्चों? 3 है। कितना इन दोनों के लिए n प्लस l का वैल्यू? 3 है, यस और नो? ओके, चलिए बच्चों एक और लाइन, क्रॉस लाइन खींचना है ऐसे, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, तो इन दोनों लाइन के लिए n प्लस l का वैल्यू 4 है। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये लाइन है, यहां पर 3 आएंगे, यहां पर बच्चों 3 आया, देखो ध्यान से, 5 प्लस 0 इज 5, 4 प्लस 1 इज 5, 3 प्लस 2 इज 5, मतलब इन तीनों के लिए n प्लस l का वैल्यू कितना है बच्चों? 5 है। समझ आया आपको इतना मैं क्या कर रहा हूं वो? क्लियर है? चलिए अब ये देखिए नेक्स्ट लाइन, 6 प्लस 0 इज 6, 5 प्लस 1 इज 6, 4 प्लस 2 इज ऑल्सो 6, मतलब इन सबके लिए n प्लस l का वैल्यू 6 है। चलो यहां देखो बच्चों, ओ बाप रे, गाड़ी भी मेरी तो क्रॉस चली गई। ओके, 7 प्लस 0 इज 7, 6 प्लस 1 इज 7, 5 प्लस 2 इज 7, 4 प्लस 3 इज 7, मतलब इन चारों के लिए n प्लस l का वैल्यू कितना है बच्चों? 7 है। ओके, अगर इन तीन में जाओगे वापस अब ये वाले में, तो आपको n प्लस l का वैल्यू बच्चों 8 मिलेगा, यहां पे जाओगे तो n प्लस l का वैल्यू आपको 9 मिलेगा, राइट? चलिए बच्चों अपना रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि एनर्जी डिपेंड्स ऑन n प्लस l, एनर्जी डिपेंड्स ऑन व्हाट? n प्लस l। चलिए सबसे कम n प्लस l का वैल्यू किसका है? 1s का है, मतलब सबसे कम एनर्जी किसका होगा बच्चों? 1s का होगा, मिनिमम एनर्जी। चलिए 1s के बाद n प्लस l का वैल्यू किसका है बच्चों? 2 है, 2 किसके लिए? 2s के लिए है, तो 1s के बाद किसका एनर्जी आएगा बच्चों? 2s। तो अब मैंने क्या किया, ऐसे किया, फिर ऐसे जाना है रिटर्न, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाना है बच्चों रिटर्न, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाना है बच्चों रिटर्न, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाना है रिटर्न, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे जाना है रिटर्न। देखो मैं क्या किया बच्चों, 1s, 2s, 2p, 3s, इसके बाद एनर्जी आएगा 2p,
उसके बाद आएगा 3s, मैं 3s पहुंचा हूं, वापस ऊपर जाऊंगा, कोई है ये रहा 3p 4s, और कोई है 4s के बाद ऊपर जाओ, कौन आया 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। चलो उसके बाद कौन है ये लाइन पे 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। चलो आगे जाओ 4f 5d 6p, 4f 5d 6p 7s, 7s के बाद 5f 6d 7p, 5f 6d 7p, 7p के बाद 5g 6f 7d, 5g 6f 7d, एंड सो ऑन। Is it clear? This is how you can write the energy of orbital for multi electron species, जिसके अंदर बच्चों एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कैसे इलेक्ट्रॉन है बच्चों? जहां पे एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहां पे एनर्जी का ऑर्डर ये हो जाता है, एनर्जी डिपेंड्स ऑन एन प्लस एल। समझ में आया बच्चों मैंने पूरा क्या किया? वो ये हर एक लाइन पे जो जो है उसका एन प्लस एल का वैल्यू सेम है। सबसे पहले आया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 5g 6f 7d, एंड सो ऑन। अभी आगे आएगा, बट हमें यहां तक जाना ही नहीं होता, इतने में अपना काम खत्म हो जाता है। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है ना बच्चों, वो 7p पे ही खत्म हो जाएगा, इधर ही अपना पीरियोडिक टेबल खत्म हो जाता है 7p पे, 7p के आगे अभी एलिमेंट मिले ही नहीं है। बोलो समझ गए आप किस तरह एनर्जी होता है वो ऑर्बिटल का? यस और नो? अब बच्चों सुने, एक और चीज आपको सिखा देता हूं मैं यहां पे, एक और चीज मैं आपको सिखा देता हूं। मान लो बच्चों कि आपको सपोज 50 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको? 50 इलेक्ट्रॉन भरने हैं किसी एटम के अंदर। आप कैसे भरोगे 50 इलेक्ट्रॉन? देखो ध्यान से, आपको यह पता होना चाहिए हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से मैं यहां पर लिखता हूं बच्चों, एक छोटा सा टेबल बनाऊंगा मैं, ये मैं यहां कर रहा हूं ऑर्बिटल, और यहां मैं लिखूंगा बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कितना भर सकते हो वो। तो अगर आप s की बात करोगे तो s के अंदर खाली एक ही ऑर्बिटल होता है कि नहीं? s के अंदर तो एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मतलब s में भरोगे बच्चों आप दो इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए बच्चों p के अंदर तीन ऑर्बिटल होता है, px py pz, यस और नो? यस और नो? हां ना, पीएक्स पीवाई पी जेड, हर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो पी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों? सिक्स। पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? सिक्स। बोले यस और नो? यस और नो? ओके, इफ आई टॉक अबाउट डी ऑर्बिटल, तो डी के अंदर बच्चों कितने ऑर्बिटल होते हैं? डी के अंदर हमने देखा पांच ऑर्बिटल होंगे, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, यस और नो? आगे ना, तो अगर बच्चों डी के अंदर पांच ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो डी में ज्यादा से ज्यादा आप कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर? डी के अंदर। अगर मैं एफ की बात करूं बच्चों, तो एफ के लिए अगर आप देखोगे ना, एफ मतलब आपका एल इक्वल टू होगा 3, उसके लिए आपको 7 वैल्यू मिलेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, मतलब एफ के अंदर आपको 7 ऑर्बिटल मिलेंगे, 7 ऑर्बिटल मतलब आप एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरोगे। अब अगर मान लो बच्चों मुझे 50 इलेक्ट्रॉन भरने, तो मैं क्या करूंगा? देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले सबसे कम एनर्जी लेवल में आता है, जब क्लास भरता है ना बच्चों, तो पहले फर्स्ट बेंच पे बच्चे भरते हैं, फिर सेकंड बेंच पे जाते हैं, फिर थर्ड बेंच पे जाते हैं, यस और नो? यस और नो? तो अगर मुझे 50 इलेक्ट्रॉन भरने, तो मैं कैसे भरूंगा? एस के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, मैं यहां लिखूंगा 2, वापस एस आया 2 इलेक्ट्रॉन, पी आया 6 इलेक्ट्रॉन, एस आया 2 इलेक्ट्रॉन, पी आया 6 इलेक्ट्रॉन, एस आया 2 इलेक्ट्रॉन, डी आया 10 इलेक्ट्रॉन। मैं इस तरह बच्चों गिनते 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 50 इलेक्ट्रॉन करूंगा। कितने करूंगा बच्चों? गिनते गिनते 50, मुझे जितने भरने उतने मैं करूंगा। देखो 50 कैसे करूंगा मैं, देखना ध्यान से, 2 2 6 2 6 2 10 6 2, अभी कितना हुआ गिनो पहले, 2 4 10 18 20 30 36 38 हुआ, 48 कितना हो गया बच्चों ये आपका 48 हुआ, और साथ में दो बचे, अभी 50 करने ना मुझे, दो बचे, ये हो गया मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या हो गया बच्चों? ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन 5p2 के अंदर होगा। कहां होगा आखिरी इलेक्ट्रॉन? 5p2, लास्ट वन। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर मैंने क्या किया, समझ आया आपको? एक एग्जाम्पल, अभी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें करने।